अस्सलाम वालेकुम ग्रेट टेंथ, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। टुडे इज़ 10th July 2020 एंड वी आर टॉकिंग अबाउट रेडिकल इक्वेशंस एक्सरसाइज 1.4। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो। लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, यू कैन सी गाइज, इट इज़ ऑफ टाइप 1। ठीक है क्लास, क्वेश्चन नंबर 1, 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 आर ऑफ टाइप 1। ये रेडिकल इक्वेशन की टाइप 1 के क्वेश्चंस हैं। टाइप वन को आप कैसे, आपको पता चलेगा कि टाइप 1 के क्वेश्चंस हैं? इसमें बेसिकली क्या होगा कि दो साइड्स होती हैं, वन इज़ राइट हैंड साइड एंड द अदर इज़ लेफ्ट हैंड साइड, और इसमें से एक साइड के ऊपर रेडिकल साइन होता है और एक साइड सिंपल होती है। दिस इज़ टाइप 1। ठीक है, रेडिकल इक्वेशंस की टाइप 1। रेडिकल इक्वेशंस की जितनी भी टाइप 1 होगी उनको सॉल्व करने का एक ही मेथड है, स्पेसिफिक उसके अंदर स्टेप्स हैं जिनको यूज़ करेंगे आप। सबसे पहले तो आपने ये सारे स्टेप्स मैं प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस कर चुकी हूँ, ऑनलाइन क्लास में भी डिस्कस कर चुकी हूँ। ठीक है क्लास, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 इज़ डन इन द ऑनलाइन क्लासेस। क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 जो है वो आप लोगों ने खुद करना है। ठीक है, वो बिल्कुल सेम ऐसा ही है, रेडिकल इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, टाइप 1 का क्वेश्चन है। इन्हीं स्टेप्स को आपने अप्लाई करना है। स्टेप 1 इज़ स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। सबसे पहले तो स्टेप 1 क्या होगा रेडिकल इक्वेशन को सॉल्व करने का टाइप 1 का, कि आपने क्या करना है, बोथ साइड्स पे स्क्वेयरिंग करनी है। स्क्वेयरिंग क्यों करनी है? ताकि हम इस रेडिकल साइन को रिमूव कर सकें और इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर सकें। आफ्टर अप्लाइंग स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, वी गेट फ्रॉम दिस साइड वी गेट x प्लस 3, क्योंकि ये जो रेडिकल साइन है ये स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा। फ्रॉम दिस साइड, इस साइड पे क्या होगा कि आप देख रहे हैं कि 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर है। तो जब भी दो टर्म्स हमारे पास आ जाएँ उनके दरमियान प्लस का या माइनस का साइन हो और बाय होल स्क्वायर हो, तो ऐसे स्क्वायर्स को हम डायरेक्टली ओपन नहीं कर लेते बल्कि फार्मूला के अकॉर्डिंग ओपन करते हैं। इसमें हम फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यू गाइज आर फैमिलियर विद दिस फार्मूला। ठीक है, इस फॉर्मूला को जब अप्लाई किया जाएगा, ए स्क्वायर, ए इज़ 3x, 3x का स्क्वायर माइनस 2ab, ए इज़ 3x एंड बी इज़ 1 प्लस बी का स्क्वायर, ये फार्मूला आपने अप्लाई कर लिया है। ठीक है, इस स्क्वायर को आपने अब स्क्वायर जो फार्मूला ओपन हुआ है इसको अब हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, जब इसको सिंप्लीफाई किया जाएगा इसको, तो ये आ जाएगा 9x स्क्वायर, 3x का जब स्क्वायर ओपन किया जाएगा, 9x स्क्वायर माइनस 3 2 6x प्लस 1 एक्स प्लस 3। नाउ मूव दिस साइड टू दिस साइड। अब ये जितने भी टू टर्म्स हैं यहाँ पे, इनको हम इस साइड पे मूव करवा रहे हैं इक्वेशन के। ठीक है, 9x स्क्वायर इसी साइड पे है ऑलरेडी, माइनस 6x प्लस 1। जब x प्लस 3 इस साइड पे मूव होंगे तो x का साइन इज माइनस x हो जाएगा यहाँ पे, एंड प्लस 3 यहाँ पे आके माइनस 3 हो जाएगा, एंड द होल इक्वेशन इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि जो लाइक टर्म्स हैं जैसे कि माइनस एक्स और 6x, इनको आपने प्लस करना है। इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने का हमेशा से मेथड यही होता है कि जो लाइक टर्म्स होती हैं उनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, माइनस 6x और x माइनस x जब प्लस होंगे तो माइनस माइनस प्लस होके इट विल बिकम माइनस 7x, एंड माइनस 3 प्लस 1 आर कॉन्स्टेंट टर्म्स, तो इन दोनों को जब ऐड किया जाएगा तो माइनस 2 आ जाएगा। सो दिस विल बिकम अ स्टैंडर्ड इक्वेशन। ये आपके पास एक स्टैंडर्ड इक्वेशन आ चुकी है, इसको आप क्वाड्रेटिक फार्मूला एंड फैक्टराइजेशन बोथ मेथड्स अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन इज़ आपने क्या करना है कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट ले लेना है, दैट इज़ 9 × 2 = 18। अब आपने क्या करना है कि मिड टर्म को ब्रेक करने के लिए कोई से दो ऐसे नंबर्स सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 18 आता हो और उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से मेरे पास 7 आता हो। 9 माइनस 2 इज़ 7 एंड 9 × 2 = 18। 9 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो 18 भी आता है, और अगर 9 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करें तो 7 भी आ जाता है। 9 - 9 + 2 - 7 इज़ ब्रेक डाउन इनटू टू टर्म्स दैट आर -9x एंड +2x। ठीक है, मिड टर्म को हमने ब्रेक डाउन कर लिया। फर्स्ट टू टर्म्स में से मैं कॉमन ले रही हूँ 9x, अंदर रह जाएगा x माइनस 1, और यहाँ से 2 कॉमन लेंगे x माइनस 1। अब ये जो बोथ एक्सप्रेशंस मेरे पास आ चुके हैं 9x प्लस 2 एंड x माइनस 1, इन दोनों को 0 के इक्वल कर लेंगे, एंड देन आफ्टर दैट इंडिविजुअली इनको 0 के इक्वल पुट करेंगे ताकि हम x की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकें। 9x प्लस 2 इक्वल 0 एंड x माइनस 1 इक्वल 0। यहाँ से सिंपली आप इजीली x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, दैट इज़ x इक्वल्स 1।
जब यहाँ से आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी होगी, तो सबसे पहले जो भी चीज़ इसके साथ ऐड हो रही है, एक्स वाली टर्म के साथ जो भी चीज़ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही है, उसको हमेशा आप इक्वल के दूसरी साइड पर मूव करवा लेते हैं। प्लस टू यहाँ पर आके हो जाएगा माइनस टू। अब एक्स के साथ जो भी वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहा है, जो भी डिजिट इसका जो भी कोफिशेंट है, उसको रिमूव करने के लिए हमेशा उस डिजिट को बोथ साइड्स पर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। नाइन इज़ डिवाइडेड ऑन बोथ साइड्स, यहाँ से नाइन कैंसिल होकर सिर्फ एक्स रह जाएगा और एक्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो गई है माइनस टू बाई नाइन। ओके, यहाँ तक रेडिकल इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि आपने एक्स की जो वैल्यूज़ हैं उनको बारी बारी उनको पुट करना है क्वेश्चन के अंदर। ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर आपने पुट करना है वैल्यूज़ को बारी बारी वैल्यूज़ को पुट करना है क्वेश्चन के अंदर और चेक करना है कि इन एक्स इक्वल्स वन पुट करने से दोनों साइड्स का आंसर इक्वल आता है या नहीं, और x इक्वल्स माइनस टू बाई नाइन पुट करने से दोनों साइड्स का आंसर इक्वल आता है या नहीं। अच्छा जी, अब हम पुट कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम पुट करेंगे x इक्वल्स वन इन द इक्वेशन, ठीक है। मैं x इक्वल्स वन पुट करी हूँ इक्वेशन के अंदर, यहाँ पे भी x की जगह वन पुट किया, यहाँ पे भी x की जगह वन पुट किया, ठीक है। यहाँ से मेरे पास आ गया थ्री प्लस वन इक्वल्स फोर एंड थ्री माइनस वन इक्वल्स टू। यहाँ से आप देख रहे हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ फोर इक्वल्स टू, तो बोथ साइड्स का आंसर इक्वल है। तो x इक्वल्स वन जो है वो आप कह देंगे कि ये इसका ट्रू है, ये ट्रू है। अब x इक्वल्स माइनस टू बाई नाइन पुट करेंगे, जो x की सेकेंड वैल्यू आई थी उसको इक्वेशन में पुट करेंगे माइनस टू बाई नाइन, एंड यहाँ से भी माइनस टू बाई नाइन। यहाँ से आप देख रहे हैं कटिंग हो जाएगी, थ्री वन जा थ्री, थ्री थ्री जा नाइन, और ये आपके पास रह जाएगा माइनस टू बाई थ्री माइनस वन। यहाँ से माइनस टू बाई नाइन प्लस थ्री, थ्री था आपके पास, यहाँ से एलसीएम लिया है, एलसीएम इसका नाइन आया है, नाइन आ गया है इसका एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद माइनस टू प्लस ट्वेंटी सेवन इक्वल्स ट्वेंटी फाइव। यहाँ से भी एलसीएम लेके आपने सॉल्व किया, माइनस टू माइनस थ्री इज़ माइनस फाइव, और यहाँ से ट्वेंटी फाइव एंड नाइन का जो स्क्वायर रूट है वो आपको पता है कि फाइव होता है, फाइव का अगर आप स्क्वायर लें तो वो ट्वेंटी फाइव बनता है, एंड थ्री का स्क्वायर लें तो नाइन बनता है। तो इसका जब स्क्वायर रूट अब इसका जो स्क्वायर रूट सॉल्व होगा तो आंसर 5 बाई थ्री आ जाएगा। यहाँ से मेरे पास आंसर आ रहा है माइनस 5 बाई थ्री। बोथ साइड्स का जो आंसर है वो इक्वल नहीं आ रहा, वन इज़ पॉजिटिव एंड द अदर साइड इज़ नेगेटिव। तो आप क्या करेंगे कि माइनस 2 बाई नाइन पुट करने से बोथ साइड्स का आंसर इक्वल नहीं आया, तो माइनस 2 बाई नाइन इज़ नॉट ट्रू। माइनस 2 बाई नाइन को जो है वो आप सोल्यूशन सेट में ऐड नहीं करेंगे, बल्कि एक्स की सिर्फ एक वैल्यू को आप सोल्यूशन सेट में ऐड करेंगे, दैट इज़ वन। ओके, डू क्वेश्चन नंबर थ्री एंड फोर बाय योर सेल्फ। This was all about today's lecture. Thank you all and take care.